नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बीएसटीसी के एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बीएसटीसी के एग्जाम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो फिलहाल अगर अपन 2020 की बात करें तो इन फॉर्मों की लास्ट डेट है वो 17 जुलाई है, यानी कि 17 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इनमें कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो जिन स्टूडेंट ने अब की बार 12वीं क्लास के एग्जाम दिए या इससे पहले, यानी कि 12th पास स्टूडेंट जो है वो बीएसटीसी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आप लोग बोले सर बीएसटीसी के एग्जाम में फायदा क्या है, तो बीएसटीसी के एग्जाम को अगर आप लोग क्वालिफाई करते हो तो फिर 2 साल का बीएसटीसी का कोर्स होता है और वो 2 साल का बीएसटीसी का कोर्स होने के बाद आप लोग टीचर ग्रेड 3rd में फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सीटेट वगैरह क्लियर करके केवीएस में भी जा सकते हो। अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी लास्ट डेट 17 जुलाई है, इसके साथ साथ इसका एग्जाम जो 2020 की अगर अपन बात करें तो 30 अगस्त को प्रस्तावित है, यानी कि 30 अगस्त को इसका ऑफलाइन एग्जाम होगा। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सर इसका पैटर्न जो है वो पैटर्न क्या है, तो इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न इस प्रकार से होगा कि इसमें 5 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट के बारे में बता रहा हूं, तो इसका पहला पार्ट जो है वो जीके का होगा। तो इसका में जीके का मतलब राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड जीके, जिसमें ज्यादा पार्ट किसका होता है, राजस्थान जीके का। इस जीके बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 50 की, और 50 क्वेश्चन आएंगे और बात आती है मार्क्स की। तो इसका मार्क्स की बात आती है तो इसका मार्क्स की बात आती है तो इसका 50 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, 150 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का, 3 अंक का। फिर दूसरा जो पार्ट आता है इसमें वो रीजनिंग का आता है, जिसको अपन मेंटली एबिलिटी बोल देते हैं। तो इसका ना रीजनिंग का जो पार्ट आता है, इस रीजनिंग के पार्ट के भी 50 क्वेश्चन आते हैं और वही प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का, तो इस तरीके से भी कितने का, 150 का हो गया। फिर तीसरा जो पार्ट आता है इसमें वो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसका में टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है वो जो ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है उसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। तो इसके में 50 क्वेश्चन आएंगे वो भी कितने का, 150 का, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक का, तो 50 क्वेश्चन 150 के होंगे। उसके बाद में चौथा जो पार्ट है वो जो पार्ट है वो जो अपना होगा हिंदी का। अब दोस्तों हिंदी भी ले सकते हो या फिर संस्कृत भी ले सकते हो, ठीक है, संस्कृत या हिंदी, इनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हो। और संस्कृत या हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और वही प्रत्येक क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब 3 अंक का। तो इस तरीके से चौथे पार्ट की जो अपने पास 90 अंक बार हो गया। उसके बाद में पांचवा जो पार्ट है वो जो है वो अपना होगा अंग्रेजी का, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो पांचवा पार्ट होगा तो इस इंग्लिश के में 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक का। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन कितने के हो गए, 60 के। तो इस तरीके से जीके के 50 क्वेश्चन अंक 150, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन अंक 150, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन अंक 150, हिंदी या संस्कृत। हिंदी या संस्कृत का मतलब अगर आप हिंदी करते हो तो संस्कृत नहीं करना, और अगर आप संस्कृत करते हो तो हिंदी नहीं करना। उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, अंक भाग क्या हो गए, 90 हो गए। इसी तरीके से इंग्लिश का जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनका अंक भाग कितना हो गया, 60। तो इस तरीके से अगर अपन टोटल देखें तो इसका हम टोटल देखते हैं तो इसका हम टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, और इन 200 क्वेश्चनों का टोटल अंक भार जो है वो कितना हो गया, 600। तो इन 200 क्वेश्चनों का टोटल अंक भार है वो 600 हो गया। तो इस तरीके से इस बीएसटीसी के एग्जाम का क्या है, पैटर्न है। तो अब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर लगभग एग्जामों में क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उस गलत प्रश्न को करने के बदले में सही प्रश्न के अंक काट लिए जाते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने कोई भी गलत प्रश्न कर दिया तो किसी भी स्थिति में किसी भी सही प्रश्न के अंक नहीं कटेंगे। तो इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे कहने का मतलब बढ़िया मौका है, आप लोग तैयारी करें। और भी अगर आप इसमें कोई हेल्प चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, और मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।